हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्रिंस। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे आज बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये वीडियो शूट करना बहुत जरूरी था। बहुत सारी वीडियो आजकल बहुत सारे क्रिएटर हो गए हैं यूट्यूब पर, बहुत लोग फेसबुक से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट आज मैंने एक वीडियो देखी जो कि मुझे लगा कि गलत इन्फॉर्मेशन थी। तो आप देखे, थंबनेल देखा होगा आपने, जो मैं आज इस वीडियो में थंबनेल दिखाया हूं, कि एक पॉलिसी इशू आया हुआ है आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर आज वीडियो बनाते हैं। चलो, आपको थोड़ी सही जानकारी और सही बातें आपको बताई जाए। और बहुत दिनों के बाद मैं अपने चैनल पे आया हूँ, तो दोस्तों आप लोगों से सिर्फ इस वीडियो को लाइक करने के लिए कहूंगा। चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इन फ्यूचर कभी भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों, मैं जो वीडियो बताने वाला हूँ, जो वीडियो बनाने वाला हूँ, उसकी जो जानकारी है ना, वो मेरी खुद की एक एक्सपीरियंस जो मैंने की है उसके बेस्ड पे है। चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब बताते हैं। आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट इधर दिखिए, एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ दिख रहा होगा और एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ दिख रहा होगा। दो स्क्रीनशॉट मैं लगा रहा हूँ, आप दोनों स्क्रीनशॉट को गौर से पढ़िए। जो पॉलिसी इशू आया है सेम पॉलिसी इशू है, बट एक में आपको एक फर्क दिख रहा होगा कि आपसे पे आउट अकाउंट एडमिन से कांटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है और दूसरे वाले में कोई एडमिन से कांटेक्ट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो दोस्तों, ये दोनों में फर्क मैं आपको समझाता हूं। ये जो पॉलिसी इशू है जिसमें कोई पे आउट अकाउंट एडमिन से बात नहीं करने के लिए कह रहा है, ये पे आउट ये पहले का इशू है जो 2 साल 3 साल पहले आता था, 2021 में, 2022 में, ऐसे टाइम पे ही आता था जिसमें कोई पे आउट अकाउंट एडमिन नहीं आता। लेकिन दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक पर काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। फेसबुक पर जब भी आप वीडियो डालने जाते हैं, पहली बात तो पेज मोनेटाइज नहीं मिलने जल्दी, और अगर मोनेटाइज हो भी जाता है तो आपसे पे आउट का वेरिफिकेशन मांगा जाता है। इन फ्यूचर कभी भी वो आपके पेज पे आ सकता है, जिसमें आपको कहा जा सकता है कि आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपके काम की है, आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। अगर आप नॉलेज नहीं लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो यहाँ से सुना पाऊंगा आपको असली बात की ये पॉलिसी इशू क्यों आ रहा है, और भी मैं आगे वीडियो लाऊंगा अच्छी अच्छी आपके जरूरत की चीजें जो होंगी, वीडियो जरूर आगे आएगी। तो दोस्तों, ये वाला जो पे आउट अकाउंट एडमिन से जो बात करने की बात फेसबुक हमें कह रहा है, ये कोई छोटी पॉलिसी नहीं है दोस्तों, ये परमानेंट पॉलिसी है, ये कभी भी अब फ्यूचर में ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ये आया क्यों है, ताकि आगे से आप कोई पेज पर गलती ना करें, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। सीधी बात ये है कि दोस्तों, जब आप पेज मोनेटाइज करते हैं तो आपका सेटअप बटन आता है, सेटअप बटन से आप सेटअप करते हैं, मोनेटाइज करते हैं, पे आउट अकाउंट डालते हैं, पे आउट डिटेल भरते हैं और सेटअप कर देते हैं, मोनेटाइज हो जाता है, ऐड होती है, ऐड आती है, अर्निंग होती है, कमाई मिलती है आपको। इस तरीके से पेज 6 महीने चलता है, 1 साल चलता है, और आपका जो पे आउट जिससे आपने भरा था वो आईडी किसी कारणवश आगे डिसेबल हो जाती है। अब वो आईडी आपके पास नहीं है, लेकिन आपके वो डिसेबल होने से पहले आपने एक एडमिन दो एडमिन ऐड कर लिए थे अपने पे आउट में, जिसके कारण आपने पे आउट ट्रांसफर कर लिया। मतलब आपके पास वो आईडी नहीं है जिस आईडी से आपने सेटअप पे आउट किया था, आपके पास वो आईडी मौजूद है जो आपने पे आउट पे दोबारा दूसरा ट्रांसफर करके लगाया है, जो कि सेटअप नहीं किया था आपने उससे, सिर्फ आपने उसको ऐड किया था पे आउट एडमिन में, ठीक है। आप तो अभी मुझे दिखा दोगे कि देखो ये भाई, मेरे पास तो बैंक डिटेल मुझे शो हो रही है, मेरे को तो पे आउट शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो पे आउट आपका ट्रांसफर पे आउट है, आपने जिससे सेटअप किया ना वो पे आउट आपके पास मौजूद नहीं होगा, तभी ये पॉलिसी इशू आया है। दूसरी कारण बताता हूं ये आने का, कि आपको दिया गया था हेल्थ सपोर्ट में एक सपोर्ट मैसेज आया होगा जिसमें आपसे कहा होगा कि 60 डेज के अंदर आप वेरिफिकेशन कीजिए, सारे एडमिन का ब्यौरा दीजिए। मतलब फेसबुक ये कहना चाहता है कि आपने जितने भी पे आउट अकाउंट एडमिन पे लोगों को जोड़ रखा है उनके सबका आईडी मुझे भेजिए। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है, कि हम ये जानना चाहते हैं कि आप ही वो लोग हैं
जो ये पेऑफ अकाउंट एडमिन पे है, किसी तरह से धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, तो वहीं पर लोग फंस जाते हैं। अब ये जो मेल जो फेसबुक मैसेज भेज रहा है, ये उसी पर भेज रहा है जो जिसने सेटअप किया था, जिसने पेआउट सेटअप किया था, लेकिन अभी आपके पास वो आईडी मौजूद नहीं है, तो आप वो मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और ये मैं बताता हूं कि अगर आपने बाद में ट्रांसफर करके एडमिन जोड़ा भी है, उस पर भी मैसेज आ सकता है फ्यूचर में, लेकिन अगर आप उससे जवाब देंगे तो वो आपकी हर जवाब को रिजेक्ट कर सकते हैं, और रिजेक्ट करेंगे भी, और वो मान्य नहीं होगा। और आप जब लिमिट क्रॉस कर देंगे, 60 दिनों का जो टाइम टेबल है आप वो क्रॉस कर देंगे, 90 दिनों में वो पे आउट पूरी तरह से बंद कर देंगे और ये वाला पॉलिसी आपके पेज पे डाल देंगे। ये कोई मोनेटाइजेशन बिगड़ा नहीं है दोस्तों, आपने कोई रूल नहीं ब्रीच किया है, सिर्फ आपके पे आउट अकाउंट एडमिन की वजह से ये इशू आया है। आपको नहीं विश्वास तो आप दूसरी पॉलिसी इशू का स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि पे आउट अकाउंट एडमिन से बात कीजिए, ठीक है। ये पॉलिसी 2 साल पहले आती थी, सेम पॉलिसी है दोनों, ये और ये सेम पॉलिसी है, लेकिन जो अभी आ रहा है ना उसमें पे आउट अकाउंट एडमिन से बात करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप मेल पे आउट अकाउंट एडमिन से बात करेंगे, उसके हेल्प कंप्लाइंस में जाकर रिप्लाई करेंगे उस अकाउंट से जिससे आपने सेटअप किया था। तो बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर मैंने देखी स्क्रॉल करते हुए, तो कुछ लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, और ये दोस्तों मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरे खुद के पेजेस पे ये आया हुआ था 2 महीने पहले, और मैं जानता हूं कि वो क्यों का किस कारण से आया था। और अभी हाल फिलहाल में एक पेज और इस तरीके से आया हुआ है, और दोस्तों वो कभी ठीक नहीं होगा। अगर आपके पास आईडी नहीं है जिससे आपने सेटअप किया था, तो वो ठीक नहीं होगा, आप उसके पीछे टाइम वेस्ट ना करें, आप या तो नया पेज बनाएं या फिर आप दूसरे पेज पे काम करना चालू कर दें, ठीक है। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसीलिए थी दोस्तों, क्योंकि मैं जो भी बात इस वीडियो में कहा हूँ बोलता हूँ, वो सब मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहता है जो मेरे पे गुजर चुका है। मुझे काम करते हुए 5 से 6 साल हो गए हैं फेसबुक पे, तो मैं जानता हूं कि कैसे सिचुएशन में कैसे कैसे निकला हूं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, नॉलेजबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे भी वीडियो लाता रहूंगा टाइम निकाल कर दोस्तों। जैसे ही मेरे को फेसबुक से फुर्सत मिलेगी मैं यूट्यूब पर जरूर वीडियो बनाया करूंगा, आप लोगों की बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय।